नेक्स्ट इज रिगार्डिंग आईबीसी, डेट इज इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए कि बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी जो हैं, इनके रिगार्डिंग जो डिसीजनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है एंड साथ के साथ जो डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट मार्केट है उसको दोबारा से ऊपर उठाना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2016 में आईबीसी को यहाँ पर पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली आईबीसी है क्या? आईबीसी एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसके थ्रू मेन एम क्या है कि जो डिस्ट्रेस्ड बिजनेस है ना उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिक सी चीज़ है, जो आईबीसी है ये डेब्टर क्रेडिटर यानी कि लेंडर बोरोअर दोनों के ही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करते हुए एंड साथ के साथ इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि एफिशिएंट रेजोल्यूशन हो इनडेप्टनेस का। अगर लोन रही ने पे किया गया तो उसका रेजोल्यूशन सही ठीक ठाक तरीके से हो। तो डेप्टर क्रेडिटर दोनों के ही जो यहाँ पर राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड फर्दर ये अब सिंगल कानून बन गया है जो इंसॉल्वेंसी के साथ बैंकरप्सी के साथ डील करता है। एंड फर्दर इसने कंसोलिडेट कर दिया, अमेंड कर दिया जो भी वेरियस लॉज एप्लीकेबल थे रिलेटिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को लेकर, ठीक है। तो उन सभी को इकट्ठा कर दिया एंड अब एक सिंगल कानून है जिस जो डील करता है इंसॉल्वेंसी के साथ एंड बैंकरप्सी के साथ। सो बात अब ये आती है कि इंसॉल्वेंसी होती क्या है। इंसॉल्वेंसी वो कंडीशन है जब कोई जो इंडिविजुअल है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो भी आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल डेब्ट है ना, यानी कि मान लीजिए उसने कोई कर्जा ले रखा है किसी इंस्टीट्यूट से, किसी लेंडर से, अब वो उसे वापस नहीं चुकता कर पा रहा, यानी कि वापस नहीं कर पा रहा, अनेबल टू मीट है, यानी कि जो भी उसकी डेब्ट लाइबिलिटीज हैं उन्हें मीटअप नहीं कर पा रहा। फाइनेंशियल डेब्ट लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं। अब इनसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किस तरह से किया जाएगा? या तो जो रीपेमेंट है शेड्यूल उसे चेंज कर दिया जाएगा या फिर कुछ एक पार्ट जो है उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा लोन का। कहने का मतलब है कि अगर आपने पहले 100 करोड़ का लोन ले रखा था, अब 100 करोड़ आपने वापस पे नहीं किए जा रहे, तो या तो टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, रीपेमेंट का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, या फिर कुछ एक पोर्शन इसका राइट ऑफ कर दिया जाएगा ताकि जो कंपनी है वो आसानी से, कंपनी है या फिर जो इंडिविजुअल है वो आसानी से इस लोन को रीपे कर पाए अब जो पहले वो रीपे नहीं कर पा रही थी। एंड फर्दर अगर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता तो उसके केस में लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा ताकि जो भी एसेट्स हैं इंडिविजुअल के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बेच दिया जाए एंड साथ के साथ जो रिकवरी है वो ले ली जाए। तो वही चीज़ है ना, या तो आप रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है यानी कि रीपेमेंट प्लान को चेंज करते हुए भी या फिर कोई डेब्ट का पार्ट जो है उसे भी राइट ऑफ करते हुए भी अगर आपकी इंसॉल्वेंसी की प्रॉब्लम अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो इंडिविजुअल है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एसेट खड़े हैं उनको बेच दिया जाएगा एंड आउटस्टैंडिंग डेब्ट को रिकवर कर दिया जाएगा। एंड फर्दर इस केस में जनरली रहता क्या है, मान लीजिए जब किसी इंडिविजुअल के, ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाना है तो उसके केस में क्या किया जाता है कि ऑफिशियल असाइनर या फिर लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ऑफिशियल असाइनर, असाइनी या फिर लिक्विडेटर को यहाँ पर अपॉइंट करती है जो यहाँ पर जो भी एसेट्स हैं उनको रियलाइज करेगा एंड उन एसेट्स का जो भी अमाउंट है उनको क्रेडिटर्स के बीच में बांटेगा, यानी कि इनसॉल्वेंट के, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने डेब्ट, जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी वो पे ऑफ नहीं कर पा रही थी, उनके क्रेडिटर्स के बीच में बांट देगा। इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द बैंकरप्सी की, बैंकरप्सी क्या होती है। बैंकरप्सी बेसिकली क्या है, जब एक पर्सन वॉलंटरीली डिक्लेयर कर देता है, यानी कि फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया जाता लेकिन एक कंपनी जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिविजुअल जो है वो खुद ब खुद ही यहाँ पर क्या कर देता है, वॉलेंटरली डिक्लेयर कर देता है कि वो इनसॉल्वेंट हो गया है एंड वो कोर्ट के पास चला जाता है। अब बैंकरप्ट डिक्लेयर होने के बाद जो कोर्ट होती है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसने लिक्विडेशन करनी है पर्सनल प्रॉपर्टी की, यानी कि जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है इंसॉल्वेंट की उसे वो लिक्विडेट करेगी एंड जो भी उसके क्रेडिटर्स हैं उनको हैंड ओवर कर देगी एंड इट प्रोवाइड्स अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ टू द इंसॉल्वेंट, यानी कि जब एक बार यहाँ पर जो भी लाइबिलिटी थी वो पे ऑफ हो गई है उसके बाद इंसॉल्वेंट जो है वो दोबारा से अपने फाइनेंशियल लाइफ को शुरू कर सकता है। सो डिफरेंस इज दिस कि इंसॉल्वेंसी जो है वो वॉलेंट्री नहीं है जबकि जो बैंकरप्सी है वो वॉलेंट्री है, जहाँ पर जो बोरोअर है यानी कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद जाता है कोर्ट के दायरे में एंड वहाँ पर जाकर अपनी बैंकरप्सी को डिक्लेयर करता है, लेकिन
इंसॉल्वेंसी के केस में जो लेंडर है वो जाएगा कोर्ट के दायरे में, एंड वहां पर आईबीसी के तहत उसे इंसॉल्वेंट लैंड यहाँ पर बोरर को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर इंडिविजुअल को घोषित किया जाता है। इसके बाद बात आती है कि आईबीसी कहां कहां पर लागू होगा। आईबीसी जो है वो इंसॉल्वेंसी के लिए, लिक्विडेशन के लिए, वॉलेंट्री लिक्विडेशन के लिए, बैंक्रप्सी के लिए लागू होता है। कौन सी एंटिटी के ऊपर लागू होता है ये भी देख लेते हैं। तो कोई भी कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, या फिर कोई भी जो पिछला कानून था जिसके तहत कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता था, वो इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा कोई भी और कंपनी जिसे किसी स्पेशल एक्ट के तहत गवर्न किया गया है, एक्सेप्ट द केसेस जहां पर जो आईबीसी का प्रोविजन है वो इनकंसिस्टेंट है विद द स्पेशल एक्ट। यानी कि कोई स्पेशल एक्ट के तहत अगर किसी कंपनी को बनाया गया है एंड वहां पर आईबीसी की जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते हैं, तो वहां उन कंपनीज को छोड़ते हुए अगर बाकी कोई कंपनी है जिनको किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनाया गया है वो भी इसके दायरे में रहेंगी। इसी तरह से कोई भी अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है अंडर द LLP एक्ट, वो भी इसके दायरे में, आईबीसी के दायरे में कवर होगी। इसी तरह से कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ। यानी कि अगर कोई नोटिफिकेशन दी जाती है इस चीज़ के रिगार्ड में, तो कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जिसको किसी कानून के तहत बनाया गया है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे नोटिफाई कर दिया है, तो वो भी इसके दायरे में कवर होगी। इसके अलावा जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी आईबीसी के दायरे में ही कवर होते हैं। एक्सेप्शन इस केस में देखें तो जो कोड है डेट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि जो बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर आईबीसी का जो ये कोड है वो लागू नहीं होगा। ओके, सो डेट वॉज रिगार्डिंग द कवरेज ऑफ आईबीसी। अब इसके बाद बात आती है रिगार्डिंग द पिलर्स ऑफ आईबीसी, कि कौन कौन से पिलर्स हैं आईबीसी के। तो जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना आईबीसी 2016 का, उसके चार पिलर हैं। कौन कौन से? एक तो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दूसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, थर्ड इट इज एजुकेटिंग अथॉरिटीज जिसमें NCLT एंड DRT आते हैं, डेट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये शामिल है। फर्दर IBBI डेट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये चार पिलर है यहाँ पर, कौन कौन से? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं, एजुकेटिंग अथॉरिटीज हैं जिसमें NCLT एंड DRT शामिल है, फर्दर IBBI डेट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये चार पिलर हैं आईबीसी के। फर्दर पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो हैं ये यहाँ पर असिस्ट करते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग, एंड इनको गवर्न किया जाता है बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज IPA के द्वारा। इन्हें क्या किया जाता है यहाँ पर? गवर्न किया जाता है, एंड बेसिकली ये असिस्ट करते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग, लिक्विडेशन के रिगार्डिंग, या फिर जो बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स हैं उनके रिगार्डिंग ये असिस्ट करते हैं। बेसिकली जो IPA हैं ये उसके दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं ये IPA के, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के दायरे में आते हैं, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को एंड कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप करते हैं एट अ फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेटर। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को एंड जो कोड ऑफ एथिक्स है जो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के साथ डील करने के लिए चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को, एथिक्स को डेवलप करते हैं, एंड साथ ही साथ किन को गवर्न करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को भी गवर्न करते हैं। एंड इन टर्न जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं ये असिस्ट करते हैं रिगार्डिंग द कंप्लीशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। एंड ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं इनको IBBI के साथ क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपना, एंड IBBI के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनके ऊपर जो एक मैंडेटरी कंडीशन है डेट इज रिगार्डिंग कि इन्हें लिमिटेड इंसॉल्वेंसी जो एग्जामिनेशन है उसे क्लियर करना पड़ता है। लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है अगर ये अपने आपको IBBI के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड फर्दर ये जो एग्जामिनेशन है ये मैंडेटरी है अंडर द IBBI डेट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस 2016 मेड अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो IBBI जिसे कि IBC के अंडर बनाया गया है उसके तहत ये एग्जामिनेशन जो है वो मैंडेटरी है फॉर द IPs। ओके, देन इट इज़ अ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का बेसिक काम क्या है कि इन्होंने जो भी डाटा है उसे कलेक्ट करना है, उसे इकट्ठा करना है, उसे ऑथेंटिकेट करना है, एंड फर्दर जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जहाँ कहीं भी रिक्वायर्ड है
उस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इस डाटाबेस को मेंटेन भी करेंगे, यानी कि लैंडर्स के ऊपर इस डाटा को मेंटेन किया जाएगा, जो भी टर्म्स ऑफ लैंडिंग है उसे मेंटेन करेंगे, ताकि कोई भी डिले ना रहे, किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना रहे जब कभी भी कोई एक्चुअल डिफॉल्ट होता है। तो पहले से ही क्या रहेगा, जो डाटा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के द्वारा वो कलेक्ट किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा एंड उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, एंड साथ के साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो उस डाटा को यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकेगा, उसे डिसेमिनेट भी किया जा सकेगा। देन इट इज थर्ड पिलर जो है, डेट इज रिगार्डिंग द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज जो IBC के अंडर है, दोज आर NCLT डेट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड DRT डेट इज डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो NCLT वो फॉरम है जहां पर अगर इंसॉल्वेंसी होती है कॉर्पोरेट पर्सन की या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज की, उनकी सुनवाई होगी, जबकि DRT वो फॉरम है जहां पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, उनकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो सुनवाई होगी डेट वुड बी रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट पर्सन, जबकि DRT में जो सुनवाई होगी डेट वुड बी रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स। एंड साथ की साथ इन अथॉरिटीज़ की, जैसे NCLT की एंड DRT की, इनके एपिलेट जो बॉडीज हैं वो भी शामिल हैं। जैसे NCLT की जो एपिलेट बॉडी है डेट इज़ NCLAT डेट इज़ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, एंड इसी तरह से DRT की जो एपिलेट अथॉरिटी है डेट इज़ DRAT डेट इज़ डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है, अगर आपने NCLT का जो भी डिसीजन है, जो भी यहाँ पर उन्होंने बताई हैं चीज़ें, उनके ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनके खिलाफ अगर आपने NCLAT में जाना है तो आपको 30 दिन का समय मिलता है, एंड फर्दर इस समय सीमा को आगे 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड के ऊपर रीजन मिलता है तो। यानी कि आपको जो भी ऑर्डर दिया गया है NCLT के तहत, उसके अगेंस्ट अगर आपने जाना है तो आपको 30 दिन का समय मिलेगा जिसके तहत आपको जाना होगा NCLAT में। लेकिन अगर आप NCLAT के डिसीजन से भी खुश नहीं हैं तो NCLAT के ऑर्डर को भी यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं 45 दिन के अंदर अंदर विद द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द NCLAT इन 45 डेज। इसी तरह से अगर कोई अपील की गई है DRT में एंड पर्सन उसके ऑर्डर से ना खुश है, तो वहां पर DRAT में 30 दिन के अंदर अंदर अपील की जा सकती है, जिसे फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर कोई सफिशियंट ग्राउंड है। एंड फर्दर अगर आपने DRAT के खिलाफ जाना है तो आपको 45 डेज में अपील करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, बताया गया है IBC में कि जो सिविल कोर्ट्स हैं या फिर जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास इनके रिलेटेड केसेस के सुनवाई की कोई भी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, एंड फर्दर वो इनसे रिलेटेड कोई भी अपनी जजमेंट या फिर इंजंक्शन कहें वो यहाँ पर नहीं दे सकते।